बच्चा 2 साल पहले साढ़े को आया सी, छोटा जहा बच्चा सी, ते हौली हौली आपां इहनू डे बाई डे इहदी ट्रेनिंग करा करा के इहनू आपां इत्थों तक लैके आए हाँ। 2 गोल्ड मैडल जीत चुका और उस विच इहने किसे नू पॉइंट भी नहीं दिता। अच्छा, पॉइंट भी नहीं, पॉइंट भी नहीं दिता जी। बेजोड़ इहने गोल्ड मैडल जितया अपने वजन दे विच। भावें खाना मेरे घर घट बने पर इन्ना मैं डाइट ज़्यादा करता सर, पर डाइट जी डाइट का उन्होंने मतलब डाइट टाइम सर मिल जाए। मेरे खाने मेरे घर भावें रोटियां घट बन जाए, घर के हालात भी कुछ ठीक नहीं ने जी, इस तरह ही बस बस। अज असीं पंजाब दे तुहानूं एक ऐसे बाप का सुपना दिखाउण जा रहे हाँ जिसने अपने बच्चे वास्ते एक ऐसा सुपना देखा है जो कि नामुमकिन लगता है, लेकिन बच्चे की मेहनत ने भी अपने बाप के सुपने नूं पूरा करता होया दिखाया है। जी हाँ, अज असीं तुहानूं मिलाउण जा रहे हाँ पंजाब दे उस स्टेट चैंपियन दे नाल जिसकी उम्र महर 12 साल है, लेकिन 12 साल दे विच ही जिहड़ा है उसने बुलंदियां हासिल की है। तस्वीर तुसीं देख सकते हो कि इस छोटे बच्चे की है जो कि जिसके पिता जी जिहड़े ने इस नूं हर रोज़ प्रैक्टिस कराने वास्ते खाड़े च लैके जाते हैं, तो उसकी तस्वीर असीं तुहाडे नाल सांझी कर रहे हैं। तुसीं वेख सकते हो कि अपनी टीवी स्क्रीन के उत्ते कि किस तरीके दे नाल है नौजवान जिहड़ा है जा रहा है, अते ये हर रोज़ प्रैक्टिस करने वास्ते अखाड़े से जाते हैं। तो अखाड़े दे विच यह बच्चा जिहड़ा है अज एक स्टेट चैंपियन बनया है। तो इन्हां दे पिता जी चाहते सन कि उन्हां दा बच्चा जिंदगी दे कुछ पहलवानी करे, तो उस पहलवानी दे विच अज वो बच्चा जरा है मिसाल कायम करता होया नज़र आ रहा है। तो तुहानू हुण असीं आए हाँ उस स्टेडियम दे विच जिथे कि यह बाप देखो किवें अपने बच्चे नूं हौसला दे रहा है, की समझा रहे बच्चे नूं? मैं यही समझा रहा कि जिन्होंने मैट पर जाना अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, मूवमेंट अच्छी तरह करनी है, जिस तरह कोच कह रहे ने उसी तरह करना है। तो बिल्कुल बच्चे नूं तुसीं देखो हौसला अफजाई। हुण तुहानू असीं इस स्टेट चैंपियन लिटल चैंपियन की तस्वीर दिखाने हाँ कि तुसीं देखो कि अपने कोचिस तो भी आशीर्वाद लैंदा है, तो किस तरीके दे नाल है बच्चा इत्थे हुण प्रैक्टिस करेगा। तो 12 साल का बच्चा तुसीं देखो कि अक्सर असीं देखते हैं कि बहुत पैसे वाले घरां दे जिहड़े बच्चे हुंदे ने उहनां कोल इस तरह की प्रतिभा हुंदी है, लेकिन शायद इस दे शरीर दे विच जिहड़ा है वह रबड़ है, लगता नहीं है कि इस दे शरीर दे विच हड्डियां ने कि किस तरीके दे नाल जिहड़ा है जंपिंग भी कर रहा है। तो उस दी तस्वीर तुहानूं असीं सांझी कर रहे हाँ, तो किस तरीके दे नाल तुसीं वेखो हाई जंप लोंग जंप और बैकहेंड बैकफ्लिक जी है वो इसकी असी तुम दिखा रहे हैं। तुसी फुर्ती देखो, तुसी इस बच्चे की फुर्ती देखो, महज इसकी उम्र 12 साल है, लेकिन किस बाखूबी दे नाल ये बच्चा अपनी इस हुनर नू दर्शा रहा है। तो इस हुनर नू दर्शाने का काम ये वालों किया जा रहा है। तुसी देखो बहुत वड्डे वड्डे इहदे विच नौजवान ने, लेकिन उन्होंने विच आके जिहड़ा बच्चा अपनी प्रैक्टिस करता नज़र आ रहा है। इसकी उम्र कोई 25 साल नहीं, बिल्कुल छोटा सा साडा सुपरस्टार, पंजाब दा सुपरस्टार 12 साल दा बच्चा है। तो इन्हां दे कोचिस दे नाल भी गलबात करांगे। तुसीं देखो फ्लैक्सीबिलिटी बच्चे दी, स्टेट चैंपियन एवें नहीं बंदे, तो इन्हां दे कोच जिहड़े ने साडे नाल मौजूद ने बंटी जी, असीं उन्हां नाल गलबात करांगे। और तुसीं वेखो किस तरीके दे नाल इक नैक दे उत्ते किस तरीके दे नाल अपनी इस प्रतिभा नूं दिखा रहा है ये एक छोटा जिहा बच्चा, 12 साल की उम्र है। तो काबिले तारीफ इस बच्चे की असी जिनी करिए उन्नी घट है। तो साढ़े नाल विक्रम शर्मा जी मौजूद ने जो कि इन्हां दे कोच ने, लेकिन इस बच्चे सब तो पहले हौसला अफजाई देना चाहवांगे कि तुसी देखो कि वह किवें काम करता है। तो साढ़े नाल कोच मौजूद ने जिन्ह ने कि इस बच्चे एक जन्म तो खैर माँ बाप देंदे ने, लेकिन उस दे विच जिहड़ा टैलेंट है वह इन्हां वल्लों भरिया गया है। तो उस टैलेंट की खूबसूरत तस्वीर और बाकमाल बच्चा, भाई साहब सब तो पहले तो तुहाडा शुक्र गुजार हाँ कि तुसी एक पंजाब दे एक बच्चे दे एक हुनर नूं बाहर लिया। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद, तुसी साडे कोल आए हो जिहड़ा इस बच्चे नूं तुसी मोटीवेट करन वास्ते। तो की है कि बच्चा की है कि है किवें इहदा सफ़र शुरू है? सुमित जी, ये बच्चा 2 साल पहले साडे कोल आया सी, छोटा जिहा बच्चा सी, ते हौली हौली आपां इहनूं डे बाई डे इहदी ट्रेनिंग करा करा के इहनूं आपां इत्थों तक लै के आए हाँ। इहदा वजन घट है, जिहड़ा पहला वजन हुंदा हुंदा 35 तों 38 किलो, इहदा वजन बच्चे दा 33-34 किलो आंदा वा। तो उस वजन दे विच इहने अपने 35 तों 38 किलो दे विच 2 वारी गोल्ड मैडल जितया वा स्टेट दे विचों, और 2 गोल्ड मैडल जीत चुका, 2 गोल्ड मैडल जीत चुका, और उस दे विच इहने किसे नूं पॉइंट भी नहीं दिता। अच्छा, पॉइंट भी नहीं, पॉइंट भी नहीं दिता जी। बेजोड़ इहने गोल्ड मैडल जितया अपने वजन दे विच। ओके, तो भाजी फिर एक किवें इहनां दे फादर साहब भी असीं देख रहे हैं कि हैंडीकैप ने, तो जो तुहाडे कोल आए तो तुसीं सवाल तो जरूर किया होगा कोई?
सवाल जी मैं इन्हों पुछया जो भी कोई बच्चा आता वा असी देखी कि पेरेंट्स जोड़े लैके आ रहे वो इन्हों थोड़ी बहुत खुराक दे सकते हैं कि नहीं, पर ये पेरेंट्स का यह जवाब से भी मेरा जोड़ा शौक आ वो पिछे मैं सारा कुछ कराँगा जी, जिस तरह मर्जी मैं जिन्हें कि योगा है ये इसते मैं जो डाइट होएगी मैं इनू देवगा। फिर उस तो बाद आपू अपने वालों अपने अखाड़े वालों स्टेडियम वालों जिनी क आप कर सकते सीए यदी हैल्प आप करते पे हाँ हाले भी करते पे हाँ तो इनू भविख च भी यदि करते रहेंगे जदों तक कि किसी मुकाम तक नहीं पहुँच जाता। काफ़ी शार्प है बच्चा? बहुत ज़्यादा जी, यदा अब 15 फुट का रस्सा लगा वा बहुत वधिया तुम चढ़ के दिखाएगा उन्हें रस्सा भी चढ़ जाएगा रस्सा भी चढ़ जाएगा तो तुम देखो कि किस तरीके बच्चा जरा है ये कुश्ती लड़ रहा है। भाजी इनू की कहें दाँ ये अलग अलग दा मार रहा जी, धोबी ढाक ढूंडर मार रहा है, हूँ कला जंग मारी आ देखो कला जंग मारिया इन्हें, इनू तकरीबन 2 साल के सारिया टैकनीक आ गई नहीं तो साल तो जो बच्चा आता उन्होंने तो चंगी तरह किट भी नहीं पानी आती और 10 साल का बच्चा जो आता देखो तुम किन्निया वधिया टैकनीक मारदा और वधिया तरीके मारदा वो इस तरह ही कुश्ती च मारदा है। सानू इस गल की बड़ी खुशी है कि इन्हू जो आप सिखाने ये उन्नी जल्दी कैच कर जाता वा, देखो ये कुदरत का टैलेंट आ पता नहीं कितने दे देना वा रब ने। बच्चे होर भी बहुत सारे बच्चे आते हो गए बहुत बच्चे है जी यहोजे टैलेंटिड बहुत आ पर उन्ना चो निखर के आ गया वा भी स्टेट के बेजोड़ गोल्ड लैके आया वा निखर के आ गया सारे टैलेंट। एक बार वो प्रैक्टिस कराओगे जी जंपिंग की इन्हें उन्हें दोबारा कर लेगा? तो बिल्कुल तुम दिखा रहे हैं इस बच्चे तस्वीर जीडिया ने कि इस बच्चे खूबसूरत जरा है इतने आके तुम दिखाओ जंपिंग तुम देखो कि इस बच्चे इस तरह लगता है कि शायद इस शरीर के रबड़ है तो वह तुम देखो बच्चे की फ्लिक तुम देखो किस तरीके 12 साल का बच्चा है तो स्टेडियम के जो खेड़ता है तो सारे बच्चे तुम वेखो किस तरीके मोटीवेट हो रहे हैं तो उन्होंने पिता जी साढ़े ना मौजूद ने असं उन्होंने भी गलबात करा तुम देखो कि सब तो पहला इस बच्चे की तस्वीर तुम साझी कर रहे हैं कि किस तरीके बच्चा कला ही इस तरीके खेड रहा है लेकिन उसकी फ्लैक्सीबिलिटी तुम देखो बॉडी के लचक देखो कि लचक किस तरीके की है तो उस लचक न दर्शाता होया बच्चा खूब हू नज़र आ रहा है तो उसकी तस्वीर तुम असी साझी कर रहे हैं इस बच्चे की तो उसके पिता जी साढ़े मौजूद ने जिन्होंने कि सुपना वेख्या। तो सब तो पहला गल है कि कोचिज की कोचिज का वाला बहुत होंगे है लेकिन इस पहले बच्चे ना गलबात करते हैं इस बच्चे की की है की बनना चाहोगे जिंदगी दे विच किवें तुहाडे मन च आया तो किवें की बनना चाहोगे? ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बनना चाहना मैं। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जीत लोगे? ओलंपिक बड़ी औखी होंगी है। कोई गल नहीं कोसा बैठे साढ़े कोसा बैठे हो की खाते की हो मेडल जीत चुके हाले तक मेरे 2 गोल्ड जीत चुका मैं स्टेट चो स्टेट चो। अच्छा हुन नेशनल जाना है स्कूलां दी कैंसल हो गई। अच्छा टैलेंट पूरा? हाँ जी। दम पूरा? वट कढ़ोगे कढ़ोगे एक बार ब्लैक फ्लिक मार के दिखा दोगे? वाह क्या बात है जी भाजी कमाल करती एक बार होर फिर अजीओ और रस्सा भी टप जाते हो रस्सा भी टप जाते हो रस्सा टप के दिखाओगे रस्सा भी चढ़ के दिखाएगा तू देखो छोटा बच्चा हूँ तुम दिखाएगा कि किमें भज भज के जा रहा है तो रस्सा भी टप्पे सॉरी माफ करना रस्सा भी चढ़ूगा। तो तस्वीर तुम साझी कर रहे हैं इस बच्चे दियाँ 12 साल का बच्चा जे सिर्फ एक और तुम देखो कि उसके शरीर की फुर्ती किमें जरा है तकरीबन 20 फुट की ऊंचाई के उत्ते रस्सा है तो उसनू बाखूबी चढ़ता होया नज़र आ रहे हैं तो साढ़े नाल उन्होंने पिता जी मौजूद ने असी उन्होंने गलबात करांगे। तो भाजी किमें मन च आया कि जरा है कि तुम इस अपने बच्चे वास्ते इस तरह का काम कर रहे हो? सर लॉकडाउन का तो चार पाँच साल लग गया सारे बच्चे ने पहले तो लॉकडाउन दौरान इन्होंने शुरू किया ही बच्चे ने एक इस तो वड्डा ब्रदर यदा ब्रदर है मेरे 2 बेटे ने और इन्हें बड़ा शौक सी कहिंदे कि पापा मैं स्टेडियम जाके प्रैक्टिस करनी है तो मैं इन्ना सीरीयस नहीं सी लेंदा कि चल बच्चे ने शौक आ कहिंदा है तो मैं चाहना कि जिंदगी कुछ होर कोई काम करके अपनी जिंदगी सफल करे पर जनून दे के इन रोज़ कहने कि पापा मैं स्टेडियम जाना पापा मैं स्टेडियम जाना तो फिर मैं भी एक बार जनून देख के रोज़ ये मैं बूस्ट कर दिना गल कर करके कर मैं एक बार इमोशनल हो गया तो मैं फिर इन हौली हौली लैके आना शुरू करता
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੇਮ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਏਗੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੀ ਚਾਹੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀ ਗੇਮ 'ਚ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਇਹਦੀ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਲੱਗੀ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗਾਈਡਨੈਂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕੋਚਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਅੱਛੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬਣਿਆ ਸਟੇਟ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜਨੂੰਨ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਭਾਅ ਜੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਰ ਮੈਂ ਵੋਕਲਿਸਟ ਹਾਂ ਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗਾਣਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਵੇਂ ਖਾਣਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਘੱਟ ਬਣੇ ਪਰ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਡਾਇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਸਰ ਡਾਇਟ ਜੀ ਡਾਇਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਟ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮਿਲ ਜੇ ਮੇਰੇ ਖਾਣੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਭਾਵੇਂ ਰੋਟੀਆਂ ਘੱਟ ਬਣ ਜਾਣ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਓਲੰਪਿਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੀ ਡਾਇਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਘੱਟ ਆ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਡਾਇਟ ਪੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਣਾ ਜਾਵੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਜੀ 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 ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸੁਪਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ ਸਰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਸਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਵਾ ਸੁਪਨਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਬਾਪ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸਾ ਵੱਡਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨਾ ਬਣੇਗਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਬਣਾਂਗਾ ਪੱਕਾ ਪੱਕਾ ਵਾਦਾ 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 ਕਰੋ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰੇਗਾ ਹਾਂਜੀ ਪੱਕਾ ਪੱਕਾ ਭੁੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤਾਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਜੋ ਬੱਚਾ ਹੈ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਸਟੇਟ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਈ ਗੋਲਡ ਜੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਰੋ ਕੁਛ ਇਸ ਨਾਲ ਸੋਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਟੇਟ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪੂਰੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 4 ਘੰਟੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਓਲੰਪਿਕ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਮੈਡਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਹੇਗੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਡਲ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਿਤ ਖੰਨਾ ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ